नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर फिर मेरी एक बार जुड़ी हुई है भ्रष्टाचारी अधिकारी प्रदीप दामोदर मोकने से जुड़ी हुई। एक बार फिर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ये निवेदन अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरे चैनल पे व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर है वो काफी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं, इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के कई ऐसे कारनामे हैं, कई लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, उन तक ये वीडियो जाएगा तो वो सामने आएंगे। जैसे जैसे मेरे वीडियो में पब्लिश कर रहा हूं, वैसे वैसे मुझे कुछ लोग सामने से अप्रोच कर रहे हैं और अपनी व्यथा सुना रहे कि उनके साथ में किस तरह से अत्याचार हुआ, और उसमें हर जगह यह प्रदीप दामोदर मोकणे जो कि नायब तहसीलदार के पद पे था, इसने पद का दुरुपयोग करते हुए उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया। एक लोकसेवक की जिम्मेदारी होती है जो जनता उसके पास आए उसका काम करके देने की, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जो वसई तहसील में पिछले कई सालों से अपने पैर जमाए बैठा है, इसने कई लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान किया है चंद पैसों के खातिर। बड़े बड़े भूमाफियाओं को इसने लोगों की जमीनें बेची है अपना मुनाफा कमाने के लिए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप खुद पीड़ित लगा रहे हैं। जो मैं यहां बात कर रहा हूं वो बात है फीडर के ऊपर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्वीट को, उस ट्वीट की। ये ट्वीट कल्पना सामंत नाम की एक महिला ने उनके ट्विटर हैंडल से किए हैं। इस ट्वीट की आप तारीख देख लीजिए, तारीख है 4 जुलाई 2021 और अभी वर्तमान में है 5 जुलाई 2022 को प्रदीप दामोदर मोकणे के ऊपर FIR हुई। तो 4 जुलाई 2021 को इस महिला ने यह ट्वीट किया था, यह आरोप लगाया था कि इनकी 5 एकड़ जमीन, लगभग 60 करोड़ की जमीन है, उसमें लॉकडाउन के समय में रातों रात 7-12 पर नाम बदली कर दिया गया और इनको इनकी ही जमीन से बेदखल करने की कोशिश की गई। इनका मामला कोर्ट में जारी है। इस महिला ने कई बार शिकायतें की ट्वीट के जरिए, मेल के जरिए, लेकिन क्या प्रशासन ने उस पर कुछ कार्यवाही की? क्या जिलाधिकारी महोदय ने कार्यवाही की? नहीं। ये प्रदीप दामोदर मोकणे तो एक मोहरा है, इसके पीछे बड़ा रैकेट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 25 साल से ये अधिकारी वसई में लिपिक के पद पर लगा था और उसके बाद में लिपिक से अव्वल कारकुन, मंडल अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक और उसके बाद में नायब तहसीलदार, इतने पदों पर ये गया जहां इसका प्रमोशन हुआ, उसके बावजूद वसई से नहीं गया। और कितने ही तहसीलदार आए चले गए, प्रांत अधिकारी आए चले गए, लेकिन मोकणे अपनी जगह पर वहीं के वहीं था। तो कौन लोग हैं जो इस मोकणे के पीछे है? इस मोकणे की पूरी कुंडली एसीबी को निकालनी चाहिए। एसीबी ने काफी अच्छा काम किया है, इस समय इसको गिरफ्तार किया, लेकिन मुझे लगता है उतना ही काफी नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह मांग करना चाहता हूं सरकार से, इस भ्रष्ट अधिकारी की जो संपत्ति की जांच है वो ईडी से करवाई जाए, सीबीआई से इसकी जांच की जाए, इस केस की, तब जाकर कहीं ना कहीं ऐसा खुलासा होगा जो वसई में शायद कभी नहीं हुआ हो। इस अधिकारी ने कितने लोगों को परेशान किया है, कितने लोगों के साथ अत्याचार किया है, वो लोग
आज लगातार आगे आते जा रहे हैं। मेरे संपर्क में भी मैंने जैसे पहले बताया बहुत लोग आए हैं, और जैसे जैसे लोग मेरे संपर्क में आएंगे मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा और अपने चैनल पे जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार फिर से सवाल है कि एक साल पहले तक जब महिला ने शिकायत की तो उसकी शिकायत के ऊपर प्रशासन ने क्या किया? आज भी उस महिला की शिकायत पे कार्यवाही नहीं हुई, आज भी शिकायतकर्ता कोई और था। कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बचाने वाले भी उतने ही गुनहगार है जितना वो भ्रष्ट अधिकारी। एक लोक सेवक की जिम्मेदारी होती है उसके दरवाजे पर आने वाले हर जन सामान्य आदमी की मदद करना। इसने मदद की लेकिन अपराधियों की, भू माफियाओं की, उसकी मदद की। आम आदमी की जमीन को हड़प कर उनको दिया, ऐसा आरोप इस पर लग रहा है और इसकी गहनता से छानबीन होनी ही चाहिए। इसकी संपत्ति की भी बात सामने आई कि इसकी करोड़ों रुपए की बल्कि हजारों करोड़ की संपत्ति इसने अर्जित की है, तो कहां से आई? एक लिपिक की कितनी पगार होती है? और लिपिक के बाद में जैसे जैसे प्रमोशन हुआ, नायब तहसीलदार बने तो कितनी पगार होती है, और इसके पास में कितनी संपत्ति होती है? इसकी जांच होनी चाहिए। इन महिला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिनका ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं, कल्पना सामंत, इनके साथ इनके बुजुर्ग पिताजी, आप फोटो में देख सकते हैं, वो भी कई बार आके इसके दरवाजे पर गुहार लगाकर गए, लेकिन उनको भी ये उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की धमकी देता है। उनकी जमीन दूसरे को अलॉट करके ये लोग गुनाह दाखिल करने की धमकी देते हैं, सेटलमेंट करने की बात करते हैं, ऐसा आरोप कल्पना सामंत ने अपने ट्वीट में ही लगाया। आप पढ़ सकते हो वो ट्वीट। तो कहीं ना कहीं आपसे फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और इस सीरीज में कोई कैसे कोई ना कोई बहुत सैकड़ों लोग हैं जो इससे परेशान थे, उन तक उनकी आवाज बनी है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।